नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M35 5G versus Vivo Y200e 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M35 में 6.39 इंच जबकि Y200e 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M35 में 3.09 इंच जबकि Y200e 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M35 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M35 में 0.36 इंच जबकि Y200e 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M35 में 222 ग्राम जबकि Y200e 5G में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M35 में सुपर एमोलेड जबकि Y200e 5G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Galaxy M35 में 19:5:9 जबकि Y200e 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M35 में 6.6 इंचेस जबकि Y200e 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M35 में 1080x2340px FHD+ और Y200e 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M35 में 83.64% जबकि Y200e 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M35 में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y200e 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M35 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y200e 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M35 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y200e 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M35 में Mali G68 MP5 जबकि Y200e 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M35 में Samsung Exynos 1380 और Y200e 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M35 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Y200e 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M35 में 6000 mAh जबकि Y200e 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M35 में 3 कलर्स जबकि Y200e 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M35 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y200E5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M35 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा वीवो Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE 4 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।